I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. New AI tools have been unleashed into the public sphere, which may threaten the survival of human civilization. It can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. And I want to sort of blow the whistle and say, we should worry seriously. Namaskar, dosto. Duniya mein badh rahe population ke hisab se dekha jaye to jobs opportunity bahut kam hi reh chuki hai. बहुत सारे लोग बीटेक वगैरह करके भी अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है. इंडिया हो या फिर एनी अदर कंट्री, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. तो वो लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम करते तो हैं बट लो ग्रेड पे, लो स्केल पे काम करते हैं. लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों को भी काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सैम ऑल्टमैन ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाम का एक ऐसा चीज़ बनाया है, एआई जिसका नाम है, ऐसा चीज़ बनाया है जो कि इन लोगों को धीरे धीरे रिमूव कर देगा. बीते 10 सालों में देखा गया है कि फेसबुक, गूगल और बड़े बड़ी आईटी कंपनियां अपने सेक्टर से मास ले ऑफ कर रही हैं, मतलब जो अपने एम्प्लॉयड है उनको निकाल रही हैं. जैसे फेसबुक ने पिछले साल 11,000 एम्प्लॉयड को ले ऑफ कर दिया, ट्विटर ने भी ले ऑफ कर दिया बहुत सारे एम्प्लॉय को. लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इन लोगों को एम्प्लॉय को क्यों ले ऑफ करा जा रहा है? क्या सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ले ऑफ करा जा रहा है? नहीं, एआई ने भी इन लोगों की जगह ले ली है, ऐसा सैम ऑल्टमैन ने भी कहा है और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा है. जॉफरी जो कि 10 साल से एआई में काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से एआई में काम कर रहा था और अब इसको छोड़ दिया हूँ, अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है क्योंकि मैं एआई में काम करके एआई को क्रिएट करने में अपना योगदान दे रहा था. एआई डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से अभी तक पता नहीं चला है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है दुनिया पर. लेकिन जॉब तो जाएंगी, 300 मिलियन जॉब्स खतरे में है, जिनमें आता है आईटी सेक्टर में कॉल सेंटर वाले जॉब्स, कॉल सेंटर्स हो गए हैं, और स्कूल में एआई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. खैर वो तो अच्छी बात है, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए एआई इंट्रोड्यूस करा जा रहा है. जैसे वेदांतु ने एआई को अपने में इंट्रोड्यूस किया, अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने क्लासरूम में, तो उससे बच्चों को आसानी होगी समझने में. तो ये तो होगी बून पॉइंट. लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मास ले ऑफ की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि एआई के थ्रू जाने वाली है. वैसे ही दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जॉब्स की सख्त ज़रूरत है. जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो भी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनकी जॉब की सख्त ज़रूरत है. तो ऐसे में छोटे जॉब्स जो कि लो स्केल के जॉब्स हैं, वो एआई ख़त्म करा जा रहा है, एआई के थ्रू ख़त्म हो जाएगा बीते 10 सालों में, मतलब आने वाले 4-5 सालों में. सैम ऑल्टमैन ने खुद कहा है कि वो ऐसे डेवलप करेंगे कि वो छोटे जो स्मॉल जो वर्क है उसको रिप्लेस कर देगी. और अपने कंपनी में जो जॉब्स होते हैं जो कि जो एआई कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर्स पे जो पहले से रिपीटेड वर्क्स हैं वो कर सकता है, तो वो एआई कर सकता है, तो उसके जगह पे जो ह्यूमन काम कर रहा था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा. तो ये तो बात हो गई ह्यूमन रिप्लेसमेंट की. 300 मिलियन रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आया बात की 300 मिलियन जॉब्स यहाँ एआई के थ्रू जाने वाली है. अब यहाँ पे बात आती है एक सुपरमार्केट जो दुकान उकान होते हैं, दुकान की भी बात यहाँ पर आ रही है कि दुकान जो शॉपकीपर्स हैं, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, उनकी भी जॉब जाने वाली है. कैसे? तो यहाँ एक कंपनी है जो कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो पैकेट्स में होते हैं, वो डिलीवर्ड करेगी ऑनलाइन, और ऑनलाइन पेमेंट होगी. और वो सुपरमार्केट इंडिया में 60 लाख जगह पर लग सकता है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कैलकुलेशन है. तो इसको देखा जाए तो एआई इंडिया के लिए एक लिथल, एक घातक साबित हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा लोगों का प्रेडिक्शन है. अभी पूरी तरह से प्रेडिक्शन सैम ऑल्टमैन में भी नहीं कर सके हैं जो कि उस एआई को डिजाइन कर रहे हैं. अभी गूगल, चैट जीपीटी और बिंज पे जो एआई आए हुए हैं, वो लोकल ग्राफिक्स आर्टिस्ट का जॉब जाएगा,
जो पेंटिंग्स हैं जो कि नेचुरल पेंटिंग्स है उसका जॉब जाएगा, जो VFX आर्टिस्ट है, जो VFX आर्टिस्ट जो फिल्म में VFX का काम कर रहे थे, जो जो छोटा मोटा VFX होता है वो सारे आर्टिस्ट को रिप्लेस करके AI खुद अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे उसको डिज़ाइन कर देगा। तो ग्राफिक्स आर्टिस्ट के भी यहाँ पे जॉब्स जाते हैं, सिनेमेटोग्राफर में भी जो जो एडिटिंग वगैरह हुई, जो स्मॉल लेवल पे एडिटिंग होगी वहाँ पे क्या करना है, जैसे जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक वीडियो एक आर्टिस्ट को रखा हुआ हूँ जो कि वीडियो को एडिट करता है। तो अगर ChatGPT आ जाता है तो मैं उस ChatGPT को AI को इंट्रोड्यूस करा दूंगा अपने वीडियो को, जो वीडियो है उसको एडिट करने में। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि वीडियो एडिटर की भी जॉब यहाँ पे खतरे में जाने वाली है। तो इस तरह से देखा जाए तो ChatGPT, बिंज, ये सारी चीज़ें स्पीच जो होती हैं, जो जो बोलने के लिए स्पीच जो देने वाले हैं होते हैं, जो स्क्रिप्ट होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वो उस तरीके से हम लोग ChatGPT के थ्रू आराम से कर सकते हैं। ये आसान भी कर सक बहुत सारे चीज़ों को आसान भी करी है, लेकिन अगर मास लेवल पर देखा जाए, ब्रॉड लेवल पर देखा जाए, तो जो लोगों की समस्या है उसको तो सुलझाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होंगी, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उसका प्रेडिक्शन अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन आने बीते 10 सालों में जब AI अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा और जो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो दुनिया पर दिखेगा, तब पता चलेगा कि इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या था। अभी तो मज़ा आ रहा है लोगों को, जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट हो जा रहा है, जल्दी जल्दी वीडियो एडिट हो जा रहा है, ग्राफिक्स डिज़ाइन हो जा रहे हैं, फोटोज़ जल्दी जल्दी, पुराने फोटोज़ जल्दी जल्दी AI के थ्रू डिज़ाइन हो जा रहे हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन हो जा रही हैं। कॉल सेंटर्स में जो ऑटोमेटेड कॉल्स आते हैं, जो लोगों को परेशान करने के लिए जो कॉल्स आते हैं, जो कॉल सेंटर से एजेंट्स होते हैं वो कॉल करते रहते हैं कि हमारा पॉलिसी ले लीजिए, हमारा पॉलिसी ले लीजिए, वो अब पॉलिसी एजेंट जो वहाँ पे कॉल करता है उसका तो जॉब गया एकदम कंफर्म पक्का है, क्योंकि वो जो AI होगा वो कॉल करेगा, एक दवाइए, दो दवाइए, तीन दवाइए, वो सब वही दबवाएगा, अब कोई नहीं दबवाएगा, ये तो बात पक्का है। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि जो सिविल वर्कर्स हैं, जो जो ईंट भट्टी मकान में काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पहले प्रेडिक्शन किया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो सिविल लाइन में जॉब करते हैं, जो छोटा मोटा जॉब करते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो उनका जॉब रिप्लेस होगा, वाइट कॉलर जॉब्स रिप्लेस नहीं होंगे। बट यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है, वाइट कॉलर जॉब को ही रिप्लेस कर रहा है AI, और उन लोगों का तो अभी तक रिप्लेसमेंट तो देखने को मिला ही नहीं है, क्योंकि एक रोबोट होगा जो जो रोबोट होगा वो मकान तो नहीं बना सकता है, ऐसा तो अभी तक डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है AI में। और AI जो होगा वो वाइट कलर जॉब्स को ही रिप्लेस करेगा, ये पक्का है। पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि AI जो है वो ब्लू कलर जॉब्स जो कंस्ट्रक्शंस लाइन में है उनकी जॉब्स को वो खतरे में डालेगा और उनकी जॉब्स जाएगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है, उल्टा हो गया है। यहाँ पर वाइट कलर जॉब्स जा रही हैं, जो स्मॉल लेवल की IT सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं, जो रिपीटेड वर्क कर रहे हैं, जो कि जिनका कुछ काम नहीं है, जो पहले से बनाया बनाया चीज़ है उन्हीं पर वर्क कर रहे हैं, उन्हीं के लिए वो पेड किए जा रहे हैं, तो वो मास लेवल पर कम हो जाएगी। और कंप्यूटर्स ही अलग अलग जैसे कंप्यूटर्स जो रखे रहते हैं वही वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा सारा, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, मशीनों का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पहले बात कही गई थी वो ब्लू कलर जॉब्स की, वो रिप्लेस करके वाइट कलर जॉब्स में आ गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ChatGPT या फिर जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेड करके सब्सक्रिप्शन लेकर और आपको जॉब्स प्रोवाइड, आपको आपका काम आसान कर रही है, पेड जो पेड ऐसे भी लोग पेड करना पड़ता है, ऐसे भी लोड को पेड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना दिमाग लगाएगी, और अपना दिमाग लगाएगी तो ह्यूमन पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये तो पक्का है, ये तो तय है। तो ये जो देखने को इम्पैक्ट मिलेगा वो फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़, ऐसे तो पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखते हैं कि जब AI अपना न्यूज़ फैलाएगा तो क्या हो सकता है। इसका जो हैकर्स हैं, जो साइबर एथिकल्स वर्कर्स हैं, जो साइबर क्राइम में काम करते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, वो लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं, और लोगों का जो अभी तक का जो हैकिंग है वो ब्रॉड लेवल पर, मास लेवल पर जाने वाला है, ये तो पक्का है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप ChatGPT को यूज करते हैं कि नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर